संस्कार धानी हुई राम में, 51,000 दीपक से नर्मदा तट हुआ जगमग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंत्री राकेश सिंह सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने की नर्मदा आरती। आज 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरा देश खुशियों से दमक रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी राममय हो गई है। शहर के शंकराचार्य चौक पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ब्राह्मणों के साथ शंखनाद किया। जैसे ही अयोध्या में भगवान श्री राम की दर्शन हुए वैसे ही संस्कार धानी जबलपुर में भी राम की भक्ति में डूब गया। मंत्री राकेश सिंह के साथ स्थानीय लोग और जमकर भगवान राम के जयकारे लगाए। राकेश सिंह ने कहा कि मैं उन कार सेवकों को नमन करता हूं जिन्होंने भगवान राम के लिए बीते 550 सालों में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राकेश सिंह ने कहा कि आज का दिन उन्नत भारत का आधारशिला का दिन है और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पूरा देश आज राममय है, हर तरफ आतिशबाजी हो रही है, पूरा देश सजा हुआ है। आज शाम मां नर्मदा की गौरी घाट में 51,000 दीपक जलाए जाएंगे। शहर को अयोध्या की तरह सजाया गया है। शाम होते ही हर इमारत हर भवन रोशनी से रोशन हो गया है। जबलपुर के हर व्यक्ति से अपील की गई है कि वह मां नर्मदा तट पर एक दीपक अवश्य जलाए। मां नर्मदा तट पर कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित कई नेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोपहर को जैसे ही भगवान राम अयोध्या में विराजे तो पूरे देश में आतिशबाजी और पूजा अर्चना हुई। जबलपुर में भी जगह जगह आतिशबाजी और पूजा पाठ हुए। पश्चिम विधानसभा के शंकराचार्य चौक में राकेश सिंह ने शंखनाद किया तो वहीं शहर की छोटी लाइन फाटक, आनंद कुंज, बीटी तिराहा, एकता चौराहा, गोलुआ चौक, गौतम जी मढ़िया, धनवंती नगर चौक, कृष्णहरी मढ़िया, शास्त्री नगर चौक, गुप्ता होटल चौराहा, मदर डेयरी चौराहा, मदन महल चौक, श्री राम मंदिर चौक, शारदा चौक, कालीमठ मंदिर तिराहा, गोरखपुर गुलाटी चौक, आजाद चौक, गोरखपुर ग्रेनेडियर चौक, आजाद चौक, रामपुर बादशाह हलवाई मंदिर, रेत नाका, ग्वारी घाट, झंडा चौक, ग्वारी घाट में एक समय पर एक साथ शंखनाद किया गया। 22 जनवरी को शाम 6:30 बजे से सराफा बाजार में भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सराफा बाजार को अयोध्या की तरह सजाया गया है। पूरे सराफा में रंगोली सजाई जा रही है। 21,000 राम नाम के दीपक जलाए जाएंगे। इसके अलावा 551 किलो स्पेशल मिठाई जो की आगरा से बुलवाई जा रही है उसका प्रसाद वितरण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।